खबर से आपको आगाह करेंगे। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद के लिए घर से खाना, जरूरी चीजें लेकर आई। मुलाकात जेल हुक्काम की निगरानी में करवाई गई। मुलाकात एक घंटा जारी रही। सवाले से मजीद तफसीला जानेंगे। ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान रफीक भट्टी, आगाह कीजिएगा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आज सालगिरह है और उनकी बेटी ने उनसे मुलाकात भी की है। आज ये मुलाकात शाम को हुई है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिब अपने वालिद जो है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, चूंकि आज ही वो पहुंचे वहाँ पे इस्लामाबाद से, उनको लाहौर शिफ्ट किया गया और वहाँ कोट लखपत पे उनकी जरूरी चीजें, शाम का खाना, दोपहर के लिए उनके कुछ बिस्किट्स और उनकी कुछ पढ़ने के लिए किताबें और उनका जो बिस्तर था और उनके जो कपड़े थे वो लेकर आई हैं। और उसके अलावा उन्होंने जो सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी अपने वालिद को। और उसके कुछ जो है एक से डेढ़ घंटा ये मुलाकात जारी रही। जेल हुकाम के सामने ये मुलाकात हुई और उसके अंदर जो कुछ जो है केसेस के मामले से भी जो है मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को कुछ हिदायत जारी की। इस हवाले से तमाम जो दीगर जो जरूरी जो हदायत थी वो मियां नवाज शरीफ ने दी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त सख्ती का जरूर है लेकिन ये जल्द खत्म हो जाएगा। और हमेशा जो है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सुरखरू हुई है हमेशा हर केस से। जी, मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात, इस हवाले से आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी। शुक्रिया आपका।